पाकिस्तान में अर्तुरुल गाजी का हम शक्ल सामने आ गया। हम शक्ल का नाम मुस्तफ़ा हनीफ है, जिसका ताल्लुक कराची से है। मुस्तफ़ा हनीफ ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है और एक प्राइवेट अदारे में मुलाजमत करते हैं। मुस्तफ़ा हनीफ सोशल मीडिया पर बतौर पाकिस्तानी अर्तुरुल शोहरत हासिल करने से कबल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे और उस पर अक्सर सैरो सियाहत से मुतल्लिक वीडियोस अपलोड किया करते थे। अर्तुरुल गाजी के हम शक्ल होने के सवाल पर मुस्तफ़ा हनीफ का कहना है कि ये ड्रामा अभी पाकिस्तान में नशर नहीं हुआ था कि मेरे दोस्त कहा करते थे कि तुम्हारी शक्ल अर्तुरुल के मरकज़ी किरदार से बहुत ज़्यादा मिलती है। जब मैंने ड्रामा देखा तो मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं वाकई ही ऐसा हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे मुस्तफ़ा कहना छोड़ दिया, अब मुझे अर्तुरुल अर्तुरुल कहते रहते हैं। अर्तुरुल गाजी के पाकिस्तान में नशर होने और मकबूलियत के बाद मुस्तफ़ा ने सियाहत के साथ साथ इस ड्रामे पर अपने रिव्यूज़ की वीडियोस भी शेयर करना शुरू की, जिन्हें सोशल मीडिया पर बहुत पज़ीराई मिली। इन्होंने अर्तुरुल गाजी के लिबास में घुड़सवारी करते हुए भी एक वीडियो शेयर की, जिसे सोशल मीडिया सार्फीन ने बेहद पसंद किया। मुस्तफ़ा का कहना है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मकबूलियत के बाद अब कहीं जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे लोग पहचान लेते हैं। मुस्तफ़ा का कहना है कि पिछले दिनों एक काम से बाज़ार गया, मास्क नहीं था, तो 4-5 लोगों ने मुझे पहचाना और मुझसे बात भी की। मुस्तफ़ा हनीफ की अर्तुरुल गाजी ड्रामे का मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार एंजल अल्तान समेत कास्ट के दीगर अहम किरदारों से मिलने की ख्वाहिश है, लेकिन जब इनसे सवाल किया गया कि वो हलीमा सुल्तान से भी मिलना चाहेंगे तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। और सवाल के जवाब में मुस्तफ़ा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में हलीमा सुल्तान 4 साल पहले आ गई थी, 4 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। अर्तुरुल गाजी की कास्ट में शामिल होने अदाकाराओं और अदाकारों की ज़ाती ज़िंदगी पर पाकिस्तानी अर्तुरुल का कहना है कि हमें फ़नकारों की ज़ाती ज़िंदगी को इनके किरदारों से अलग देखना चाहिए। मुस्तफ़ा ने मज़ीद कहा कि इस ड्रामे में हमें जो पैगाम मिलता है वो अल्लाह पर पुख्ता यकीन हमारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। अर्तुरुल गाजी जो भी अल्लाह पर पुख्ता यकीन हमारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन होना चाहिए।